कैसे हो दोस्तों, मैं परमिंदर सिंह ईगल ईगल मेडिटेशन क्लब के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज का हमारा विषय है वो है दुख का कारण क्या है। सो दोस्तों आज के इस विषय के दौरान हम आपको बताएंगे कि दुख का मुख्य कारण क्या होता है, हम दुख में क्यों चले जाते हैं, हमारे हमारे मन पे बोझ बना रहता है, हम मानसिक चिंता से ग्रस्त हो चुके हैं। आज के इस दौर में भागदौड़ की जिंदगी में बहुत से लोगों को कोई दुख नहीं है, फिर भी वो दुख में जी रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जिंदगी है वो नरक से भी बदतर हो चुकी है। सो दोस्तों दुख का मुख्य कारण हमारा अपने आप पर ध्यान ना होना, हमारे थॉट्स के ऊपर ध्यान ना होना, हम अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे मन में जो भी थॉट आता है उसको हम अपने अंदर ले जाते हैं और उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है। सबसे पहले दोस्तों दुख को खत्म करने के लिए हमें अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करना होगा, हमें कौन से थॉट्स को अपने अंदर रखना है और कौन से थॉट्स को अपनी लाइफ से निकाल देना है, अपने माइंड से निकाल देना है। जैसे जैसे हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लेंगे वैसे वैसे हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन हम अपने थॉट्स को बदल लेंगे, अपने सोचने के नजरिए को बदल लेंगे, हमारी जिंदगी में दुख आने खत्म हो जाएंगे। सो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहले ये देखना है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, आपके दोस्त मित्र कैसे हैं, क्या आपको आपको वो नेगेटिव थॉट्स तो नहीं दे रहे, आपकी आपके किसी काम के ऊपर वो नेगेटिव फीडबैक तो नहीं दे रहे। अगर आप कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा करने से रोक तो नहीं रहे। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं तो आप लाजमी ही दुख में रहोगे, चिंता में रहोगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी लाइफ को समझना होगा, अपने थॉट्स को समझना होगा। और हम अपने थॉट्स को समझेंगे कैसे, हम अपने थॉट्स को समझने के लिए हमें मेडिटेशन में आना होगा, मेडिटेशन करना सीखना होगा और हमें ध्यान करना होगा, देखना होगा हमारे जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घट रही है और क्यों घट रही है, हमारा उन घटनाओं के प्रति रिएक्शन क्या है। अगर हम इन चीजों को समझना शुरू कर देंगे तो हमारी जिंदगी में दुखों का जो चीजें कारण बनती हैं वो कारण खत्म हो जाएंगे और हम सुख की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम मेडिटेशन में उतरेंगे हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखेंगे और अच्छे और बुरे थॉट्स में डिफरेंस जानना सीखेंगे, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में एक ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हम पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिविटली हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी जिससे हम जिंदगी में कभी भी निढाल नहीं होंगे। सो दुखों से छुटकारे के लिए हमें नकारात्मक और नास्तिक थॉट्स को छोड़ना होगा। जैसे जैसे हम नकारात्मक और नास्तिकता को छोड़ते जाएंगे हमारा अपने आप पर विश्वास बढ़ता जाएगा, ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास बढ़ता जाएगा, हमें हमारा विश्वास इस सृष्टि के सृजनहार परमात्मा के ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हमारा विश्वास सृष्टि के रचनहार परमात्मा पर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव होते जाएंगे, हमें हमारे अंदर का डर खत्म होना शुरू हो जाएगा, हमारे दुख खत्म होने शुरू हो जाएंगे। आज के जो समय है हमारे जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त मित्र हैं या हमारे लोग हैं वो नकारात्मक इस कारण भी हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को समझना और जाना छोड़ दिया है और वो नेगेटिव लोगों के साथ रहना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जिंदगी में दुखों का कारण बन जाता है। और दूसरी बात, हमारा जो भोजन होता है, हम कैसा भोजन कर रहे हैं, कैसे हमारी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी जिंदगी में दुख आने लाजमी है। अगर हम पूरा दिन व्यतीत करते हैं बातें करने में, नाच कूद में और फालतू खाना खाने से भी हमारी जिंदगी में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि आप हेल्दी खाना खाएं और पॉजिटिव खाना खाएं जिससे आपका जो माइंड है माइंड फ्रेश रहे और सकारात्मक पॉजिटिव रहे, जिससे आप जिंदगी में ग्रोथ कर सके और दुखों से छुटकारा पा सके। कभी भी आप ऐसे ना सोचें कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके दायरे में एक एनर्जी है, आपके सराउंडेड एक एनर्जी है जिसे यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, वो एनर्जी आपकी जिंदगी को एक्टिव रखती है और आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे आपका विश्वास आपका फेथ उस एनर्जी के ऊपर बढ़ता जाएगा, उस परमात्मा की एनर्जी के ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी में से दुख खत्म होने शुरू हो जाएंगे।
और जिंदगी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और भी बहुत सी बातें हैं दोस्तों, जिससे आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, नेगेटिव बातों से छुटकारा पा सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। सो दोस्तों, आपने करना क्या है, नेगेटिव सोचना बंद करना है, नेगेटिव दोस्त छोड़ देने हैं, नेगेटिव मूवीज देखनी बंद कर देनी है, नेगेटिव सॉन्ग नहीं सुनने और अपने आप को एक्टिव रखना है, सदा ही अपने आपको पॉजिटिव रखना है और एक विश्वास के साथ जिंदगी जीनी है कि आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं होगा। आपको हर बार, हर दिन, हर घंटा जो भी आपका सपना है उसके ऊपर मंथन करना होगा और इससे आप अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव ग्रोथ ला सकोगे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपनी थॉट को बदलें, अपनी जिंदगी को देखने के नजरिए को बदलें, जिससे आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं और अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू।